रंगोली एंड ध्यान से कलर करना होगा ताकि हमारा कलर बाहर ना निकले। देन हम माउंटेन को कलर करेंगे। सब हमें उसके नीचे वाले पोर्शन में ब्राउन कलर से, मतलब लाइट ब्राउन कलर से कलर करना है। एंड ट्रीज को बचा के कलर करेंगे ताकि ट्रीज पे हमारा ब्राउन कलर ना जा पाए। बच्चों बताए आप सबको, अभी जितनी गर्मी पड़ रही है उस गर्मी से हमें बचने के लिए नेचर को बचाना बहुत जरूरी है। हमें अपने घर के आसपास प्लांट्स हमेशा लगाने चाहिए ताकि हमारा नेचर बच सके और हमें गर्मी भी ना लगे और हमें फ्रेश ऑक्सीजन भी दे। देन हम स्काई को कलर करेंगे, मतलब आसमान को, वो भी ग्रे कलर से। आफ्टर दैट आसमान को कलर करने के बाद हमें ट्रीज को कलर करना होगा। ट्रीज को हम डार्क ग्रीन कलर से कलर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें माउंटेन के टॉप लेयर में कलर करना है डार्क ब्राउन कलर से। एंड ट्री के ब्रांच को हमें ब्राउन कलर से कलर करना है। देन हम ट्रीज को कलर करेंगे डार्क ग्रीन कलर से। हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमेशा ट्रीज लगाना चाहिए, क्योंकि अगर जब हम घर बनाते हैं तो उस एरिया में जितनी भी ट्रीज होती है हमें उन्हें काटनी पड़ती है। इसलिए अगर हम ट्रीज को काटते हैं तो हमें उतनी ज्यादा ट्रीज भी लगाना चाहिए। देन हम लैंड को कलर करेंगे, ग्रास वाले लैंड को लाइट ग्रीन कलर से। एंड हमें माउंटेन पे स्पार्कल ग्रे कलर से डिजाइन बनाना है ताकि माउंटेन थोड़ा आरा टेरा दिख सके, क्योंकि माउंटेन्स कभी सीधे नहीं होते, वो थोड़े आरे टेरे होते हैं। आरे टेरे मतलब थोड़ा सा टेरा, थोड़ा सी इधर से निकला हुआ, थोड़ा उधर से निकला हुआ। देन हम रिवर को कलर करेंगे स्काई कलर से और ये हमारा सीनरी ऑलमोस्ट ड्राइंग कलर हो चुका है। तो बच्चों आप सबको